जब कभी भी हम रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखते हैं, तब एक सवाल मन में आता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कोई है जो हमें भी सितारों से देख रहे हैं? जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और वो मानते थे कि एलियन होते हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए और एलियंस को खोजने के लिए दुनिया के तीन धनवान और जाने माने व्यक्ति एकजुट हुए हैं। इनमें से एक थे खुद वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, रशिया के प्रतिष्ठित एंटरप्रेनर यूरी मिलनर और फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हम एलियंस को खोज सकते हैं इससे पहले कि उनको हमारे बारे में पता चले। तीनों ने अभी तक $100 मिलियन का निवेश किया है अनुसंधान शुरू करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। 12 अप्रैल 2016 में घोषित किया गया इस परियोजना का नाम रखा गया है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट, जिसमें एक बड़ा मदरशिप पृथ्वी से लॉन्च होगा, जिसके अंदर होगा 1000 छोटे छोटे अंतरिक्ष यान। ये छोटे यान या स्टारशिप केवल कुछ सेंटीमीटर का आकार का होगा, वजन भी कुछ ही ग्राम का होगा। इनमें कैमरा के साथ साथ कई और आधुनिक उपकरण होगा। एक यान बनाने में लागत आएगी एक आईफोन जितना। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर मदरशिप उन छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में छोड़ देंगे, तभी पृथ्वी से तीव्र ऊर्जा वाले लेजर किरण उन छोटे यानों पर छोड़ा जाएगा, जिसके वजह से इन यानों को सबसे तेज गति मिलेगी, जो प्रकाश के गति के 20% होगा। हमारे सबसे नजदीकी तारा मंडल अल्फा सेंटौरी, जो 4 प्रकाश वर्ष दूर है, इन छोटे यानों को पहुंचने में सिर्फ 20 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान में जाते तो 30,000 साल लगते वहां पहुंचने में। हमारे सबसे नजदीकी तारा मंडल अल्फा सेंटौरी में ऐसा क्या है? इस तारा मंडल में 3 तारा है, जिनमें से एक का नाम है प्रोक्सिमा सेंटौरी। हम कह सकते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटौरी एक दूसरा सूरज है, जिसका अपना सूर्य मंडल है और जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह भी है, जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटौरी बी। ये छोटे अंतरिक्ष यान इस ग्रह के पास से भी गुजरेंगे। बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इस ग्रह पर एलियन हो सकते हैं, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी जितना आकार का है और यह ग्रह अपने सूरज से इतनी दूरी पर है जितनी दूरी को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। इसी वजह से इस ग्रह के तापमान -90 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और पानी होने का पूरा संभावना है। इस ग्रह का एक वायुमंडल भी होने का पता चला है। इस ग्रह पर एलियंस है कि नहीं तभी पता चलेगा जब हमारे छोटे छोटे अंतरिक्ष यान इस ग्रह का करीबी फोटो हमें प्रेरण करेंगे। लेकिन कोई भी तथ्य या फोटोग्राफ को पृथ्वी पर पहुंचने में 4 साल लगेंगे, क्योंकि वहां से सिग्नल और प्रकाश को भी यहां तक आने में 60 साल लग जाते हैं। इस खोज में कितना समय लगेगा यह तो कहना मुश्किल है, पर हजारों की तादाद में छोड़े गए छोटे यान कहीं ना कहीं से एलियंस को खोज ही लेंगे। इस मिशन को पूरा करने में $5 से $10 बिलियन का लागत आएगा, और छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा 2036 में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी से ऐसे और भी वीडियोज आने वाले हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करना ना भूले। तो मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।